माय गॉड, क्या ब्यूटीफुल सीरीज बनाई है। क्या कह रहे हो, ड्रॉ करें? लेट्स डू दिस। आज पेंसिल नहीं है, आज है ब्रश, और हम लोग करने वाले हैं एक्रेलिक कलर्स के साथ पेंटिंग। तो एक्रेलिक कलर्स जो हैं वो ये हैं, देख लो। तो सिंपल वन जो फेवर कैसल के हैं, जो पोस्टर कलर जिसमें आते हैं, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो इस तरीके की छोटी छोटी बॉटल्स में आते हैं। ये है वो रेफरेंस जिसको यूज़ करने वाले हैं फैमिली मैन के लीड एक्टर। हमारी पहली एक्रेलिक जो पोर्ट्रेट्स हैं वो डेडिकेटेड टू दिस ऑसम पर्सनैलिटी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं एक बेस लेयर क्रिएट कर रहा हूं। अब सेकेंड लेयर में मैं डार्कर टोन्स यूज कर रहा हूं यहां पे। एक जो बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वाले आर्टवर्क में, जो आपको समझनी चाहिए जब आप कलरिंग में जा रहे हैं स्पेशली, तो देखिए इसमें दो, तो एक तो डार्केस्ट टोन है जो नीचे की ओर है, और एक जो है इस तरफ, देख रहे हो एकदम लाइट शेडोज पड़ रही हैं, और इन दोनों के बीच में जितनी टोन्स हैं दे आर मिड टोन्स। बट यहाँ पर क्या होता है कि मिड टोन्स पर भी बहुत सारे कलर वेरिएशंस होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर, और इन कलर वेरिएशंस की वजह से, जैसे कि एक्रेलिक एक हार्ड मीडियम है, मतलब ये एक बहुत सॉफ्ट मीडियम नहीं है कि आप जिसमें चाहे उसमें मिक्स कर दें, मर्ज कर दें, इसको मूव करना, या तो फिर आप वाटर यूज़ कीजिए। और अगर आप वाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं साथ में, मतलब वाटर कलर जैसे इसको यूज़ अगर आप नहीं कर रहे हो, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको ब्लॉक्स करके काम करना, ब्लॉक बनाना। और इसका जब मैं ट्यूटोरियल डालूंगा ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉकिंग कैसे कर सकते हो आप। हेयर के पोर्शन में मैंने ऑलरेडी इसको पानी से वेट कर दिया है, ताकि ये बहुत इजीली स्प्रेड हो सके जो ब्लैक कलर हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं।
तो कैसा लगा आपको ये अप्रोच? मुझे तो बहुत इन्जॉय किया मैंने इस पर्टिकुलर पेंटिंग को, क्योंकि मेरा पोर्ट्रेट्स में एक्रेलिक में फर्स्ट ट्राई था, तो ज़रूर बताएगा कि कैसा लगा आपको, कितना आपने इन्जॉय किया। और अभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आर्ट कॉम्पिटिशन के घमासान जो हो रहा है वो सब कुछ ब्लॉगिंग वाले चैनल पर देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो। फिर से लाइव आने वाला हूँ जल्द ही, और इस बार फिर रॉक करेंगे जबरू भाई। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।